आज ही तुम्हारा फिजिकल डेट था ना? जी आज ही था। अच्छा 13 तारीख को आज ही फिजिकल तुम्हारा डेट था। तो ये कर रहे हैं कि कौन सा ट्रेड था तुम्हारा? मेरा था आरएम रेडियो मैकेनिक रेडियो मैकेनिक, ठीक है। अच्छा, वारंट ऑफिसर जो बोला जाता है जी। जी। तो ये कर रहे हैं, तो सुबह कहाँ सेंटर गया था तुम्हारा? सुबह मेरा सिलचर गया था, मासीपुर अच्छा, मासिमपुर। मासिमपुर सिलचर गया था जी। तो ये सुबह कैसे, मतलब स्टार्टिंग करें, किस तरह एंट्री हुई सुबह में? अच्छा, स्टार्टिंग 4 बजे एंट्री शुरू हो गई थी। 4 बजे एंट्री शुरू हो गई। तो लाइन कितने बजे बच्चे लगे थे? लाइन तो बच्चे लोग 3:30 बजे से लग रहे थे, 3 बजे 3:30 बजे से। अच्छा। तो एंट्री के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा था? अप्लीकेशन फॉर्म, ये चालान, आपका एडमिट कार्ड। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब सबमिट कराने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद चालान जो पेमेंट किया है वो। अच्छा, हाँ पेमेंट स्लिप। एडमिट कार्ड। एंट्री होने के बाद क्या हुआ? एंट्री होने के बाद हम लोग को लेके जाके बैठा दिया, फिर आपका बैच बनाया, 100 का बैच बनाया था। अच्छा, 600 के बेंच बनाए थे, बैच बनाए थे ना। हाँ 100 का बैच फिर दौड़ा दिया हम लोग को। तो ये पहले हाइट टेस्ट में ना, मतलब मैं नहीं हाई मतलब चेस्ट नहीं, पहले दौड़ फिर उसके बाद हाई चेस्ट नापे। हाँ अच्छा, पहले दौड़ हुई। पहले दौड़ होने के बाद हाइट और चेस्ट नापे। अच्छा, तो ये 100 बच्चे के बैच जो बनाए हैं, तो ये कितने बच्चे इसमें रनिंग पास हुए थे? रनिंग इसमें 80% पास हो गए, 80-70 पास हो गए थे। अच्छा, 70-80 लड़के बहुत पास हो गए। इजी ट्रैक है। अच्छा, इजी ट्रैक है। तो ये ट्रैक आई कैसे, जाना है, आई जाना है। हाँ अच्छा 2.5 जाना है, 2.5 आना है। अच्छा, टोकन मिलेगा पढ़ाई में, 2 टोकन मिलती है, एक ही मिलती है? एक ही मिलती है। अच्छा, एक ही टोकन मिलती है। तो ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि रनिंग जो है तो फुल टाइम दे रहे हैं ना वो, हम 24 मिनट, हाँ टाइम पूरा देगा। ठीक है। और ये कर रहे हैं कि रनिंग ट्रैक जो है सही है ना वो दौड़ने? रनिंग बहुत ही सही है, जो लड़का प्रैक्टिस करेगा आराम से निकाल लेगा। कुछ अच्छा, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है ना, मतलब वहाँ नहीं, थोड़ा। एकदम प्लेन है, प्लेन एकदम। सीधा अच्छा, प्लेन जाना है, सीधा आना है, कोई ऊंचाई है ही कुछ नहीं है। तो 80 पर लड़के पास हो गए थे रनिंग में, हाँ 20 ही छठे हैं मेरे में। BC चटे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये फिर रनिंग पास होने के उसके बाद, मतलब बाद हाइट और चेस्ट नापा गया। हाइट चेस्ट वेट नापा गया? हाँ तो हाइट कितने मांग रहे हैं एक्यूरेट? हाइट भी बहुत ही अच्छे नाप रहे हैं और चेस्ट भी, तो चेस्ट और हाइट में लगभग सब पास हो जा रहे हैं, कुछ ही 10% लड़का जो फेल हो रहे हैं। अच्छा, तो ये 80 पास हुए थे जिसे, तो हाइट चेस्ट में कुछ छटे थे लड़के? अच्छा, वही 10% भैया। 10% छटे थे, ठीक। तो ये अगर हाइट टेक 70 ना भैया एक्यूरेट? हाँ अच्छा, चेस्ट नॉर्मल। और ये सब फिर उसके बाद क्या बोले, ये कंप्लीट होने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग ट्रेड टेस्ट के लिए ले जाएगा। अच्छा, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया। तो यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कुछ? हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुआ, अच्छा, हाइट फिर चेस्ट नापने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो अच्छा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट के लिए ले जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट लगा? 10 का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 10 का, 12 का मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड बस। अच्छा, आधार कार्ड, ये 5 चीज लगा। फोटो का फोटो लगेगा ना? कितने फोटो लग रहा है? फोटो 10 फोटो लग रहा। 10 फोटो लग रहा है। अच्छा, ये हाई स्कूल इंटर करेक्टर हाँ सर्टिफिकेट हाई स्कूल। हाँ और ये निवास बोलते हैं इसे, डोमिसाइल बोलते हैं, हाँ वापसी इसको बोलते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा जो बंदे जनरल से, हाँ उनका नहीं लगेगा, OBC है CST उनका लगेगा। हाँ वो लोग अलग था। अच्छा, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक फ़ोटो लगेगा, 12 या 10 ले लो कोई दिक्कत नहीं। ये हाँ डॉक्यूमेंट दस ही वेरी मैं। अच्छा हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हाँ ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया? हाँ सबको बैठा दिए हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। अच्छा, ट्रेड टेस्ट किस रहे, मतलब एक बार में कितने बच्चे बुला रहे हैं? एक बार में एक ही बुला रहे हैं, 3 वहाँ पे बैठे हैं, एक मैडम बैठी हुई है और 2 सर बैठे हुए हैं। अच्छा, 3 एग्जामिनर बैठे हुए हैं, हाँ एक बार में एक ही जा रहे हैं। एक बार में एक ही स्टूडेंट आ रहे हैं ना? तो क्या कर रहे हैं कि एक बार एक ही जा रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या कितने टोटल पूछे थे ट्रेड टेस्ट में? अच्छा, टोटल 20 क्वेश्चन थे। हाँ 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे। तो ऑलमोस्ट ये कितने करेक्ट करना पड़ता है क्वेश्चन, कितने सही बताना पड़ता है? ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन या 15।
जैसा मतलब लड़का का एटीट्यूड रहा, वहाँ बोलने का तरीका रहा। अच्छा, ये करें क्वेश्चन, कुछ याद है तुम्हें क्या क्या पूछा गया, क्या हाँ, पूछा क्वेश्चन गया? तो याद है। आपका अच्छा, बताओ तो। सोल्डिंग के बारे में पूछा था, सोल्डिंग क्या है, किस लिए यूज किया जाता है। अच्छा, सोल्डिंग के बारे में, हाँ, फिर रेडियो वेव के बारे में पूछा था। रेडियो वेव। अच्छा, आपका यूपीएस के बारे में पूछा था कि यूपीएस कहाँ यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इसका यूपीएस। फुल फॉर्म बताओ। और एक हो गया आपका एलईडी का फुल फॉर्म पूछा था, अच्छा, एलईडी का फुल फॉर्म। और एसी से डीसी रेक्टिफायर। अच्छा, एसी से डीसी है। और ऑपरेटिंग कुछ? सिस्टम एक पूछा था, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। होता है। जी, और और पूछा आपसे ब्लूटूथ का रेंज पूछा था अच्छा, कि कितने ब्लूटूथ में रेंज में कितने काम रेंज में करता है। काम करता है? अच्छा, और और एक न्यूट्रल में कौन सा रंग का तार होता है। अच्छा, न्यूटन में कौन सा रंग का तार होता है? जी, ये क्वेश्चन तो हाँ बिल्कुल पीडीएफ में देखो बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम बता रहे हो, पीडीएफ में बहुत सब कुछ दिया गया, फुल फॉर्म जो कि था हाँ वो ना पूछा गया। पीडीएफ में तो फुल फॉर्म जितना था सब कर लिए थे, तो पूरा ही आ गया था। पीडीएफ से बाहर कुछ नहीं गया, जी, यही बता पीडीएफ रहे हैं, बहुत पीडीएफ से सब बाहर, है। फुल फॉर्म कोई नहीं गया है, सब कुछ पीडीएफ में दिया गया है। और ये तुम्हारा दो तीन पीडीएफ क्वेश्चन फुल थोड़ा फॉर्म है, बहुत गया था। हाँ, दो तीन क्वेश्चन थोड़ा बाहर है, देखो ब्लूटूथ का रेंज ये बाहर थोड़ा हाँ है, हाँ अरे वही ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, वही बाहर है, ब्लूटूथ वाला बाहर है। हाँ, विंडो बस वाला एक पूछा था, विंडो क्या होता। हाँ, विंडो वाला थोड़ा, ये भी हम एक बार वीडियो में डिस्कस किया था, पर वीडियो में नहीं है, वीडियो में डिस्कस किया था। और रेडियो वेव भी, रेडियो तरंगे दे, मतलब रेडियो तरंगे बता दिया हूँ, तरंगे ये भी बता दिया हूँ, बिल्कुल ए टू जेड बता दिया हूँ। और पीडीएफ में ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है, जो बढ़िया पढ़ के हाँ जा रहे हैं ना पीडीएफ लोग। भी है, बहुत ही अच्छा। एक ब्राउजर के बारे में पूछा था, ब्राउजर क्या होता है, कौन सा ब्राउजर क्या है, नाम बताओ। अच्छा, ये अगर फिगर जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ना, कुछ फिगर बना के सामने नहीं कुछ नहीं इसे, फिगर फिगर कुछ नहीं बनवा रहे थे। अच्छा फिगर वगैरह कुछ नहीं पूछ, इसे नॉर्मली पूछ रहे जो, और कुछ दिखा नहीं रहे ना, डायग्राम वगैरह कुछ दिखा नहीं रहे ना। नहीं, वो भी नहीं दिखा रहे। अच्छा, क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछ रहे हैं उसको आंसर बताना है ना। अच्छा बस 20 पूछेंगे, बस उसको बताना है, हो अच्छा गया। तुम कितने बताए थे ऑलमोस्ट, समथिंग हम 12 से 15 बता दिए थे। 12 से 15 बता दिए थे, तुम्हारा तो पास हो गए तुम। हाँ बताओ, पास हो गया। थैंक जी, चलो कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, और यू। बेस्ट ऑफ लक। और एग्जामिनेशन के लिए वीडियो भी ला दूंगा, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में हाँ पूछा ठीक जाता है, रिटर्न एग्जाम में, ठीक है, है। इसे वीडियो ला दूंगा। और बता रहे हैं कि पीडीएफ तो हेल्पफुल है, ठीक है, हाँ पीडीएफ और तो हेल्पफुल है, ऐसा बात हाँ, नहीं है। कल आपका कल था ईएफएस का था, जी तो आपका जी पीडीएफ से कोई भी बाहर नहीं गया, मैं 200 पास हो गया। जी वही तो। हाँ और आज वही सब झारखंड पूछा का आज था। लास्ट है ना? झारखंड का हमको लगता है कि आज लास्ट ही है, टाइगर। हाँ लास्ट ही आज। आज लास्ट ईयर है ना? जी, चलो बेस्ट ऑफ लक रिटर्न एग्जाम के लिए, ठीक है, ओके थैंक और यू। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कर देना, ठीक है, ओके। चलो ठीक है।